गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर अगेन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द 18 चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ एंगल, यानी एंगल हमारे कितने टाइप के होते हैं। एक्यूट एंगल, जिसकी मेजरमेंट कितनी हो, जो 90 डिग्री से लेस देन एन एंगल, दैट इज लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से जो छोटा हो। फिर आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, यानी 90 और 180 के बीच के एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आपका राइट एंगल, राइट एंगल होता है आपका 90 डिग्री का। फिर स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल होता है आपका 180 डिग्री के एंगल जो होता है उसको आप स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो दोनों आर्म्स होती हैं एंगल्स की वो एकदम स्ट्रेट होती हैं। फिर होता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है आपका 180 से बड़ा होता है, 360 डिग्री से छोटा होता है। फिर आता है आपका होल एंगल, यानी कि 360 डिग्री का, यानी ये जो पूरा सर्कल है ये आपका क्या है, होल एंगल। फिर आपकी प्रोटेक्टर, यानी एंगल्स को हम मेजर कैसे करते हैं, प्रोटेक्टर से। तो जो ये लाइन होती है इसको हम बोलते हैं बेस लाइन प्रोटेक्टर की, और ये होता है प्रोटेक्टर का सेंटर। तो जब भी हम किसी एंगल को मेजर करेंगे तो जो ये सेंटर होता है उसको हम एंगल के वर्टेक्स पे लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि उसकी एक आर्म है, यानी दोनों में से कोई भी एक आर्म जो है जीरो की तरफ इंडिकेट कर रही हो, पूरी जो है उसकी बेस लाइन पे जीरो पे हो। और जब आपकी एक आर्म जीरो पे होती है जिस लाइन में, उसी लाइन पे आप आगे जो है दूसरी आर्म का मेजरमेंट देखेंगे। देखिए इसमें जो ए बी है वो जीरो पे है, तो आप ए सी देखेंगे कितने पे है, उसी लाइन में देखना, आपको दूसरी लाइन में नहीं देखना है। जीरो वाली लाइन में देखिए 60 पे, तो ये एंगल कितने का हुआ आपका, 60 डिग्री का। हम इसमें लिख देंगे कि एंगल ए, कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसी पे जो है हम आगे 18.3 करेंगे। आप इन सारे एंगल्स को जो है प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे और इनकी मेजरमेंट लिखेंगे, और ये बताएंगे कि कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है, कौन सा जो है आपका एक्यूट एंगल, और कौन सा राइट एंगल। फिर आपके क्वेश्चन फोर में जो है फिलिंग फिलअप्स हैं। 150 डिग्री एंगल क्या है, किस चीज़ का एग्जांपल है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल। एस डैश एंगल इज ग्रेटर देन एन डैश एंगल एंड लेस देन, तो देखिए इसमें आपका रिफ्लेक्स एंगल भी आ सकता है और राइट एंगल भी। राइट एंगल किस कितना का मेजर होता है, 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल ऑलवेज मेजर 180 डिग्री। पॉइंट वेयर टू लाइन सेगमेंट मीट टू फॉर्म एन एंगल इज कॉल्ड वर्टेक्स। एंगल मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर। फिर हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल, यानी एंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको लिखने होते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जब भी कोई आप एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं या बनाते हैं तो आप हमेशा उसके स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप्स क्या लिखेंगे, जैसे जैसे आप कर रहे हैं वैसे वैसे ही लिखेंगे। तो इसमें आपके जो है 60 डिग्री के, 120 डिग्री के, 30, 180 और 90 डिग्री, इन सब के जो है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ये आप सारे अपने नोटबुक में लिखेंगे। अब हम जो है एंगल फॉर्म करके देखते हैं। हम 60 डिग्री का एंगल पहले जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके लिए पहले क्या करेंगे, ड्रॉ ए रे, एक रे को जो है ड्रॉ करेंगे। रे क्या होती है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ जो है वो हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसको हम नाम देंगे ओ ए। फिर जो हमारी कंपास है उसको हम ओपन करेंगे, किसी भी रैंडम आप जो है इसकी विड्थ ले लेंगे, कोई भी, ज़्यादा ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ज़्यादा छोटी, तो इसको रखेंगे। और इस रे के पे से इसको एक आर्क जो है हम लगा देंगे, तो जिस पॉइंट पे ये रे को कट करेगा वहाँ भी हम नाम लिख देंगे बी। फिर बी को सेंटर मान के एक और जो है आर्क लगा देंगे इस पहले वाले आर्क पे, उसको हम नाम दे देंगे सी का। फिर हम क्या करेंगे जो है इन दोनों को मिला देंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे बी ओ और सी को आगे तक, और ये हमारी रे बनेगी, इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे ओ डी का। तो जो हमारा एंगल बनेगा डी ओ ए, या फिर एंगल ए ओ डी, क्योंकि ओ वर्टेक्स है ये बीच में लिखेंगे, वो कितना होगा हमारा 60 डिग्री का। और ये सारे स्टेप जो है कंस्ट्रक्शन के आप साथ में लिखेंगे। फिर देखिए 120, फिर देखेंगे 30 डिग्री आगे से बनाते। आपको जो कंपास है वो उतनी ही रखनी है, इसी आर्क को जो है आप बढ़ा देंगे यहाँ पे आगे, और फिर दूसरी बार जो है सी पॉइंट पे रख के उसी आर्क पे एक इंटरसेक्ट करके दूसरी आर्क लगा देंगे। अब जो मिडिल पॉइंट है इसको हम नाम लेते हैं ई का। अब हम ओ ई को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, और जो ये आपका एंगल बनेगा ये होगा बायसेक्टर, यानी जो आपका 60 डिग्री के एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में काटेगा उसको हम बोलते हैं बायसेक्टर, जो किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में जो है कट करता है। तो ये आपका कितना हुआ 30 डिग्री है, और ये टोटल एंगल कितना हुआ आपका 60 डिग्री का। फिर हम 120 का देखते हैं कैसे बनाते हैं।
उसी तरह एक रे जो है ड्रॉ करेंगे, उसको नाम दे देंगे ओपी। रैंडमली किसी भी वृत्त की जो है आप एक वो लेके ओ को सेंटर मान के एक जो कोई भी रेडियस ले लेंगे हम, उससे एक जो है आर्क जो है ड्रॉ करेंगे। ये जिस पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, हम उसको नाम दे देंगे क्यू। फिर क्यू को सेंटर मान के इसी आर्क पर एक आर्क लगाएंगे, उसको हम नाम दे देंगे आर का। फिर आर को सेंटर मान के एक और आर्क लगाएंगे एस। देखिए जो वन पहली आर्क थी आपकी 60 डिग्री की थी, नेक्स्ट की भी 60 की है, तो ये टोटल कितना हो गया 120। तो ओ और एस को मीट कर ज्वाइन करते हुए एक जो है लाइन ड्रॉ करेंगे, रे ड्रॉ करेंगे, जिसको हम नाम दे देंगे ओ टी। तो एंगल टी ओ पी इज इक्वल टू 120 डिग्री, या फिर एंगल पी ओ टी इज इक्वल टू 120 डिग्री। और इसके सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है आप राइट करेंगे। फिर आता हमारा 90 डिग्री का एंगल। देखिए हमारी जो है ये इतनी ही रेडियस की ओपन होनी चाहिए कंपास। आर पे रख के इसी जो आर्क लगाई थी हमने एस पर, उसी आर्क को जो है हम आगे बढ़ा देंगे, इन दोनों के बीच में एक आर्क लगाएंगे। फिर एस को सेंटर मानकर एक आर्क लगाएंगे, और फिर इसको नाम दे देंगे हम यू का। फिर ओ और यू को जो है हम आपस में ज्वाइन करेंगे, और एक और रे बनाएंगे, उसको हम नाम ले देंगे ओ वी। तो जो आपका एंगल है एंगल वी ओ पी वो होगा आपका 90 डिग्री का। तो इस तरह से हम बनाते हैं, हमने अभी बनाया एंगल 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 120 का और 90 डिग्री का। आप ये सारे एंगल जो अपने नोटबुक में बनाएंगे और उनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी राइट करेंगे। एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।